हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल आर्ट ऑफ वेज कुकिंग में। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी हेल्दी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप नाश्ते में बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। चलिए रेसिपी को बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप पोहा लिया है। मैंने जो पोहा लिया है ये छोटे साइज का है, अगर आपके पास बड़े साइज का हो तो आप वो भी ले लें, रेसिपी दोनों से बन जाएगी। यहाँ पर मैंने एक छन्नी ले ली है, उस पर मैंने पोहे को डाल दिया है। हाथ से मसल कर इसको 1 से 2 मिनट के लिए धो लेंगे, क्योंकि इसमें एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है, उसमें एक स्मेल होती है जिसको निकाल देना बहुत जरूरी है। मैंने पोहे को अच्छे से धो दिया है, अब इसी में छोड़ देते हैं, इससे हमारा जो पोहा है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ 5 मिनट के लिए पोहे को छोड़ दिया था, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, इसका पानी सारा निकल गया है। एक बाउल में डाल लेते हैं, हाथ से अच्छे से मसल देंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का आलू लिया है उबला, उसको कद्दूकस कर दिया है, उसको भी डाल लेते हैं। एक मैंने बड़ा प्याज लिया था, उसको बारीक चॉप कर लिया है, इसको भी डाल दिया है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने कद्दूकस से घिस कर डाल दिया है। यहाँ पर मैंने लाल हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाला है, आप यहाँ पर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक स्वाद के अनुसार डाल लें। 1 टीस्पून मैंने खड़ा जीरा डाला है कच्चा वाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है। मैंने यहाँ पर 4 ब्रेड के ब्रेड क्रम बना लिए हैं, मैंने 4-5 चम्मच डाल दिए हैं। ब्रेड क्रम उतने डालेंगे जितने में हमारी रेसिपी में अच्छे से बाइंडिंग आ जाए। मैंने यहाँ पर थोड़ा ज्यादा करके हरा धनिया भी डाल दिया है। अब सारी चीजों को मिला लेते हैं। अभी हमारा मिश्रण गीला है, इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम और डाल लेंगे, जरूरत के हिसाब से डालेंगे, जितना आपके हाथ में चिपके नहीं और अच्छे से डो बन जाए। मैंने यहाँ पर 10 से 12 टेबल स्पून ब्रेड क्रम को डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, अब ये अच्छे से बंध रहा है, बस और ब्रेड क्रम को यहाँ पर नहीं डालेंगे, उसको साइड में रख देते हैं, ये और भी रेसिपी में काम आ जाएगा। मैंने हाथ को अच्छे से वॉश कर लिया है, हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाया है। अब थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर मिश्रण का और ब्रेड बड़े बना लेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून मिश्रण को हाथ में ले लिया है, पहले अच्छे से मसल कर उसके बॉल बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको टिक्की का शेप दे दिया है, अब इसमें बीच में होल कर देते हैं। मैंने उंगली से किया है, आप यहाँ पर पेंसिल या पेन किसी से भी कर दें, आसानी से हो जाता है। अगर साइड से टूट रहा है तो आप उसको जोड़ दें। बहुत इजी रेसिपी है, फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। नाश्ते में बच्चों के लंच बॉक्स में आप दें आसानी से, सुबह के ब्रेकफास्ट में बच्चों के लंच बॉक्स में आप इसे दे सकते हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी बनती है, बच्चे मजे से खा लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से मैं सारे पीस बनाकर तैयार कर लूंगी, इसी प्रकार से मैं सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर लूंगी। इस स्नैक्स को आप पहले से बनाकर फ्रिज में स्टोर कर दें, एक एयर टाइट डब्बे के अंदर बंद करके, जब आपको जरूरत हो तब आप तुरंत निकाल कर इसको फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सारे स्नैक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब आ जाते हैं गैस की तरफ। मैंने यहाँ पर एक गैस पर कढ़ाई रख ली है, गैस को ऑन कर लिया है, उसमें मैंने फ्राई करने के लिए ऑयल डाल लिया है। मीडियम से हाई फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लेते हैं। मैंने एक छोटी सी बॉल बनाकर टेस्टिंग के लिए डाली है कि रेसिपी हमारी अच्छे से फ्राई हो रही है कि नहीं हो रही है। ये अच्छे से फ्राई हो रही है, अब इसमें और स्नैक्स को डाल देते हैं। अभी फ्लेम को मैंने मीडियम और हाई के बीच में रखा है, ये नीचे से थोड़े से कुक हो जाएंगे, उसके बाद मैं मीडियम फ्लेम पर इनको उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन करके सेक लूंगी। यहाँ पर आप स्नैक्स को फ्राई करने के लिए थोड़े फैली हुई कढ़ाई का ही इस्तेमाल करें, और जितने हमारी कढ़ाई में स्नैक्स आ जाएं उतने ही डालें, बहुत ज्यादा ना डालें, तो ये अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे और ये टूटेंगे भी नहीं। स्नैक्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इन पर देखिए सुंदर सा गोल्डन कलर आ गया है, अब इनको निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर स्नैक्स को एक टिश्यू पेपर पर निकाला है, एक्सेस ऑयल जो है उसमें टिश्यू में आ जाएगा। इसी तरह से और फ्राई कर लेते हैं। स्नैक्स हमारे सारे बनकर तैयार हो गए हैं, ये देखिए। चलिए इनको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। आप इन्हें अपनी मनपसंद चटनी या टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। टी टाइम स्नैक्स है, लंच बॉक्स स्नैक्स है, आप इससे बनाकर ट्राई जरूर करिएगा। आपको मेरी रेसिपी में जरा भी कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी, एक और नए वीडियो के साथ।